हम इस टाइम मेन रोड में हैं जहाँ पे रिजर्वायर है। आप लोग ये सामने रिजर्वायर है, पिंक सा कलर दिखाई दे रहा है, साइड का हिस्सा दिख रहा है। अब तो सीनियर सेकेंडरी हो गया ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है। जब हम पढ़ते थे तब हाई स्कूल था, उसके बाद इसका नाम भी चेंज हो गया। तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है, बन रहा है। ये गांव है, ऊपर पहाड़ी घर है, देखो इतने ऐसे ऐसे होते हैं हमारे पुराने घर। हमारा भी ऐसा ही है घर, तो ऐसा ऐसा है हमारा पहाड़ी एरिया भाई। काफ़ी होटल और काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे, हाँ, टूरिस्ट वगैरह आते जाते रहते हैं। पहले दिक्कत होती थी लेकिन अब यह काफ़ी होटल वगैरह बन गए हैं, तो ठहरने की भी कोई दिक्कत नहीं है। होम स्टे भी काफ़ी है और कैंपिंग भी है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर ना। आराम से मतलब स्टे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टूरिस्ट अगर आता है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग करो। बाकी यहाँ पर भी मिल जाता है, सब जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन नहीं करो। चलो चलते हैं ना, अब चलते हैं हम। मैं आज हम मायके जा रहे हैं मंडी। अब हम एक काम करेंगे ना, हम आप लोगों को ना यार वो भी चीज़ दिखाएंगे। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो निर्माण हुआ था उसके लिए अंग्रेजों ने ना ब्रिटिश राज था यहाँ पे, उस टाइम वहाँ से ट्रॉली लाइन आई हुई है। जो मेन पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, उसके बारे में भी हम दिखाएंगे, वो जगह दिखाएंगे हम आपको। दिखाते यार, ये जीरो पॉइंट का पुल है। तो ये नदी है, नीचे को बह रही है बड़े ज़ोर शोर से, तो बड़ा अच्छा व्यू है। ये पुल है, ये मेरे मायके को जाता है इधर को, बड़ी झरवाड़ को। तो हम लोग जा रहे हैं आज मायके, मेरा मायका है, तो हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कैंपिंग है, कैंप लगे हुए हैं। जो लोग भी मतलब जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा, जगह भी बहुत प्यारी है ना। कितनी प्यारी जगह है देखो, बड़ी प्यारी जगह है। देवदार के, देवदार के ही पेड़ है, जंगल देवदार के पेड़। और चील है, वो चील नहीं सॉरी कैल, कैल रही तो सारे मिक्स तोस तो नहीं होते यहाँ पे है ना। हमारी साइड तो कुछ ज़्यादा होता है, कांगड़ा साइड का। बांध के पेड़ भी है, मिक्स मिक्स। यहाँ से ना नदी क्रॉस करते ही बस इस साइड मंडी है, कांगड़ा है, और जहाँ हम खड़े हैं मंडी है। हम आ गए अब मंडी के एरिए में। ये जो पारली साइड है, पुल की पारली साइड है, ये कांगड़ा का एरिया है। तो यहाँ देखो जंगल, पहाड़ियाँ, इतना सुंदर व्यू है। ये हॉली ट्रॉली जाती है यहाँ से। जब हम स्कूल पढ़ते थे, छोटे छोटे होते थे, सिक्स सेवन्थ में पढ़ते थे, तो यहाँ से हम भी काफ़ी बार गए हुए इस ट्रॉली में। तो अब तो ये बंद है, पुरानी हो चुकी है, अंग्रेजों के टाइम की है ये। तो अब तो पता नहीं कहाँ है। एक बार की तो मेरे को भी याद है, हम लोग यहाँ से पैदल गए हुए थे। हाँ, गए हैं। और जोगिंदर नगर जाते हमारे ना पीठ में सामान था। हम कहीं जा रहे थे किसी काम से, तो पीठ में हमने सामान लिया हुआ था, तो हम यहाँ से ट्रॉली में चढ़े थे। जहाँ तक ट्रॉली गई, फिर बीच में कुछ 18 नंबर कुछ प्रॉब्लम थी, तो फिर ऊपर जो ये पहाड़ी है ना, यहाँ पे आया है एक जगह 18 नंबर, वहाँ पे इसका पॉइंट है। फिर वहाँ से भी ट्रॉली थी बेंच कप तक। हाँ, बेंच कप। तो वहाँ तक ट्रॉली थी, फिर वहाँ से परे को नीचे को जोगिंदर नगर पहुँचती है ये ट्रॉली, जो शानन पावर हाउस है वहाँ तक। तो ये सब बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं मेरे मम्मी के घर की साइड। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो पहाड़ है ऊपर, यहाँ से दिख रहा है, घर भी दिख रहा है गाँव में। देखो ऊपर पहाड़ी में एक ग्रीन ग्रीन सी बिल्डिंग दिख रही होगी आपको। हमें वहाँ जाना है, तो वहाँ जाना है हमें चढ़ाई चढ़ के, है ना। चलो फिर ले चलते हैं आपको, आपको भी अपने साथ। ठीक है, चलो चलो। का जो है सुंदर, देखो वाह,
कितना अच्छा रहा। ये मेरी फ्रेंड का घर है, ये बड़ा सुंदर घर बना दिया भाई इन्होंने। दुकान भी है छोटी सी, छोटी क्या, काफी बड़ा मकान है दुकान अभी, इसमें सारा सामान है। तो ये दरिया है नीचे, दरिया के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं। ये जो नदी है ना, ये ऊल नदी है, जा रहे हैं अपने मायके के नानी का घर है। यहाँ देखो कितनी ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा है। जैसे हमने यहाँ एंटर किया ठंड स्टार्ट हो गई। तो मेरी मम्मी के घर के पास तो बहुत ही ज्यादा ठंडे में दिखाऊंगी, कैसे कांपेंगे हम। दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे सुबह सुबह तो ना आ नहीं सकते, यहाँ पे बर्फ जम जाती है, तो 10-11 बजे के बाद गाड़ी चलाना पड़ती है यहाँ पे। ये तो सुबह सुबह वही बर्फ जम जाती है रोड पे। ये जो है तीरा वाली माता है, यहाँ पे रक्षा करती है सबकी और सबका ध्यान रखती है। जय माता दी। तो यहाँ पे हमारे कुछ रिश्तेदार भाई फोन के साथ बातें कर रही है। तो गाँव की लाइफ है भाई, देखो इतना ठंडा, बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे, फिर भी कपड़े धो रहे हैं, भाई फोन से बात कर रही है। तो ये है घर मेरे ससुर जी का, बच्चे वगैरह सब खड़े हुए हैं इंतजार में। सामने ससुर जी मुझे मुझे भाई, तो हमारे पहाड़ की रस्में हैं। एक साथ आऊं बाबा, मैंने कर दिया और खा लिया। आपके लिए खाली हो गया क्या? मतलब बाकी सारे गड़बड़ खाली हो गया, अब खा लिया। बच्चा कुछ पानी मत पियो, है बादाम से ले रेगी, इसमें खा ले, थोड़े खाई देना ठीक, फिनिश करो ले इसको, लग गई होगी, फिनिश करो हैं, सब संगे फिर बिठाई ना, ना ना फिनिश कर इसको। अरे वो तो गई फिनिश, हो केड़ी नहीं हुई है ना, ले ले ला दादी को, दादी मेर देना फिनिश कर। वो देखो बाहर पूछ रहे हो, फिनिश हो गई आपकी चीजियां? हां बोल तो, क्या क्या खाया आपने? इतना शेर नहीं मेरे को ना अब पार्टी चाहिए। किल्टे में आप लोग देख रहे हैं ना, ये किल्टे में खाद है, बच्चे भी शाम के टाइम जैसे घूमने निकलते हैं तो खाद लेके निकलते हैं। तो इस तरह से जो है ना पहाड़ों में यार, मतलब मैक्सिमम ना लोग जो क्या टाइम का ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे घूमने भी निकल रहे हैं शाम के टाइम, थोड़ा सा बच्चे घूम खेल कूद के भी आ जाएंगे, घूम के भी आ जाएंगे, और साथ में जो है जो गाय का गोबर होता है उसको भी ले जाते हैं, खाद होती है वो, खाद के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, तो खेतों में वो भी ले जाते हैं साथ में। तो हम लग जा रहे हैं अब कहीं, कहाँ जा रहे भाई? चेपली रात बोलेंगे हम लोग जा रहे हैं आज साडू भाई के घर, उन्होंने बुलाया है,
तो बस अब ससुराल से साडू भाई के घर की ओर जा रहे हैं। बड़ी ठंड है। ये मेरा ससुराल है यहाँ पे इस गांव में, जैसा मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाया। तो वह यहाँ से निकल चुके हैं, अभी करीबन 15 से 20 मिनट लगेगी, हो सकता है आधा घंटा लगे, देखते हैं। आराम आराम से जाएंगे, ज़्यादा दूर है नहीं। तो ठंड ज्यादा होने की वजह से हम लोग पूरे पैक है, पैक है। और यार एक तो सबसे बड़ी बात ना, ठंड में क्या होता है कि हम लोग ने जैसे वहाँ से आए सोलन से, तो यहाँ पे आके ना एक तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वो उसका भी ये रहता है। दूसरा पानी तो हल्का कोल्ड, ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा चेहरा फट जाता है ड्राइनेस ज़्यादा होने की वजह से, और ओंठ पूरे फट गए हैं। अरे पेन हो रहा है, क्रीम लगा के दुखी हो गया यार मैं तो ना, मेरे तो ओंठ पूरी तरह फट गए हैं भाई। बच्चे के सलामत है अभी बच्चों ने, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा और हमने ध्यान दिया ही नहीं ज़्यादा, इस कारण बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। देखो मैंने कितने लगाए हुए, अंदर से गर्म सूट, फिर बाहर से एक और कोटी, बाहर से दूसरी कोटी, बाहर से शॉल, ढाटू। बहुत ठंड है और ठंड है। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, सामने पहाड़ बर्फ का मेरा गांव। सामने दिख रहे होंगे आप पहाड़ बर्फ दिख रही होगी हल्की हल्की। इस टाइम 5:30-6 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, इसलिए ज़्यादा क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा, बट यार बहुत खूबसूरत व्यू है। बस आई है तो फ्रेंड्स, बस भी आती है यहाँ पे यार। यहाँ पे मेरे को दो बच्चे मिले हैं, ये भी मेरे ससुराल के गांव के हैं। तो देखो इन्होंने दोनों ने हाथ में ग्लेल ली हुई है, तो ये शाम के टाइम मनोरंजन के लिए निकल जाते हैं ग्लेल से, देखते हैं ट्राई भी करते हैं, शिकार करने निकलते हैं लोग, कई बार लग जाती है। इसका मतलब आपका निशाना ठीक है ना। क्या नाम है आपका? दुर्गा चौहान। दुर्गा चौहान, आप? पंकज। पंकज, अभी बस आ गई है। तो ये देखो बच्चे ना मस्ती भी करते हैं, ये फायदा है सब। साथ में मस्ती भी और काम भी, ठीक है, थैंक यू। तो अभी 6 बज चुके हैं और बस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। यहाँ मंडी से आती है बस, तो 6 बजे के आसपास यहाँ से क्रॉस करती है, बड़ी मेड़ तक जाती है ये बस, है ना। बड़ी जरवाड़ का गांव और साथ में प्राइमरी स्कूल घर के बिल्कुल सामने। ये ऊपर मेरे ससुर जी का घर।